पहली बार देख रहा हूँ कोई टायर कंपनी ये सब चीज भी प्रोवाइड करती है। देखोगे ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी। 390 एडवेंचर चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उनके पैर जमीन पे नहीं पहुंचे थे। सो ये रहे अपने टायर रेडी फॉर इंस्टॉल, बट एक प्रॉब्लम हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है कान, टायर देख लीजिए कम्प्लीटली फ्लैट हो गया। कैसे फ्लैट हुआ कुछ पता नहीं यार, सडनली हो गया फ्लैट। करेंटली आई एम ऑन बेलापुर रोड, वो है न्यू मुंबई की म्यूनसिपल ऑफिस, उसके बाद हमको मिलेगा पाम बीच। एंड प्रॉब्लम इज कि आज मैंने अपना पंप बीट कैरी नहीं किया है, क्या हुआ है चेक करना पड़ेगा। सो अभी सी वुड में आया हूँ, भाई साहब ने ट्राई किया वो पंक्चर फिक्स करने का, बट वो इसकी साइज इतनी बड़ी है कि वो एक पंक्चर के अंदर से नहीं बैठ रहा। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अंदर की तरफ से पैच मारेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। लेट्स सी भाई कैसे काम करता है। सो भाई साहब ने पैच लगा दिया है। सो अपना टायर वापस लग गया अपनी बाइक के ऊपर, पैच भी लगा दिया है। लेट्स सी अभी कैसे होता है, दो दिन में पता चलेगा। सो एज पर हिम टायर का जो कम्प्लीट एरिया है वो हार्ड बन गया है, सो इट विल नॉट एडवाइजेबल टू यूज दिस टायर फॉर द मोर किलोमीटर। सो अपनी नेक्स्ट राइड के पहले अपन को ये टायर चेंज करना ही पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माई चैनल, दैट इज सागर लाइफ, अवर चैनल नेम। सो अपने भीमा शंकर के व्लॉग में आपने देख लिया अपना टायर की क्या हालत हो गई थी, हम पंक्चर हो गया ऑन द वे, एंड बिकॉज ऑफ वो पंक्चर बहुत बड़ा था तो वहाँ पे वापस पंक्चर नहीं बन पा रहा था, दैट्स वाई वी हैव ट्राई टू इंस्टॉल पैच। वो पैच भी चला नहीं भाई, घर पे लेके आया भाई, खड़ी की और दो दिन के बाद जब बाइक के पास जाता हूँ तो सो कम्प्लीटली हाउस के अंदर से ड्रेन हो गई है। सो अभी बाइक लेके जानी पड़ेगी अपने लोकल टायर पंक्चर वाले के पास, होप वो कुछ कर पाए। अगर वो चीज भी काम नहीं करती है सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू बाय चेंजिंग द टायर्स ओनली, सो टायर भी चेंज करना पड़ेगा। जो भी होगा इस वीडियो के आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वापस आ गए अपने खुद के एरिया में, तो ये अपने अंकल ट्रस्टेड है। सो अपनी बाइक जो है वो वहाँ पे खड़ी करके रख दी है, वहाँ से टायर रिमूव करके ले लिया है। वो जो पैच उस दिन लगाया था उसी पैच में से वापस आवाज जा रही है, यहाँ पे वो पैच था एंड ये तो नीचे वाले ओल्ड पंक्चर है। दे ट्राई टू फिक्स इट विद अ पंक्चर बट इट्स नॉट हैपनिंग, सो दैट्स व्हाई डिसाइडेड टू डायरेक्टली पैच ही लगा दे, बट इस बार मजबूत कर देंगे उस पैच को। ये कुछ ऐसे पैच लगाया था उस दिन उस बंदे ने, तो अगर वो एक ही पैच है वो दोनों साइड पे होना चाहिए था ना, तो उसका नहीं हुआ था तो उसने वापस ऊपर की तरफ ये जो लगाया ना ये बाद में उसने लगाया। सो इससे क्या होगा, जो ज्यादा हार्ड चिपका हो निकल जाता है पैच। तो अभी अंकल क्या कर रहा है, वहाँ पे ये जो रबर पाउडर रहती है उस होल में उसको फिल करके फिर फेविक्विक से उसको टाइट कर दिया, फिर उसके ऊपर वापस ये पाउडर डाल दिया। देख लीजिए ऐसे गम उसके ऊपर डाल के फिर उसके ऊपर उन्होंने पाउडर डाल दिया, ये देख लीजिए ऐसे, ताकि ये अंदर की तरफ से भी फिक्स हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस आउटर साइड के ऊपर से भी फॉलो किया है। इसके पहले हम लोगों ने एक छोटा वाला पैच लगाया था, फिर उसके ऊपर अभी ये बड़ा वाला पैच लगा रहा है जो सेम लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था। सो ट्राई किया है 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, एक तो पहले ऊपर आपने देख लिया पाउडर डाल के छोटा वाला पैच एंड देन फिर ये बड़ा वाला पैच। उसी के सो इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हवा लीक हो ही रही थी थ्रू द सेम एरिया ऑफ द पैच। सो फ्रेंड्स ये है पंक्चर की हालत, ये जो है वो परफेक्टली बैठ चुका है और ये जो मेन एरिया है यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कट था,
को फिल करने के हम लोगों ने पंचर ट्राई किया, बट पंचर से हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने पैच लगाया, जैसे आपने बीमा शंकर की राइड में देखा। फिर उसके बाद भी तीन दिन में जब जब घर पे आके देखता हूँ तो वापस टायर फ्लैट। तो वापस हम लोग गए थे अपने लोकल टायर पंचर वाले के पास, तो उसने भी ट्राई किया पैच लगाने का, वो भी आपने देख लिया। एंड स्टिल यहाँ से हवा आ रही है। सो नाउ आई ओनली लेफ्ट अ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग द टायर। सो टायर की कंडीशन देख लीजिए, स्टिल टायर बहुत अच्छा है अभी भी। जस्ट 14,000 किलोमीटर होने को आई अपनी बाइक, उसको तो टायर चेंज नहीं करना है, बट क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज ऐसे टायर लेके हम राइड के ऊपर जा नहीं सकते, इट्स वेरी रिस्की। सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन चेंजिंग द टायर। कौन से चेंज कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के आगे दिखाई दूंगा। सो अभी आगे का टायर आपको दिखा देता हूँ, उसके जो एजेस है, जो बटन्स है, इतना गैप है। बट टायर अगर मैं प्रॉपरली दिखाऊँ आपको, ये देख लीजिए, ये जो गैप्स है इन बिटवीन के, उसकी हालत देख लीजिए। इवन यहाँ पे भी देख लीजिए, इस थ्रेड को, रबर खराब होने को चालू हो गया है। ये देख लीजिए, ये एजेस। अगर मैं चलाऊँगा तो ये टायर स्टील 4,000 से 5,000 ईजिली चला जाएगा, बट ऐसे देखा जाए तो टायर की एज भी हो गई है। सो ये देख लीजिए, विद इन दो दिन में, दैट मीन परसों इसी वक्त हवा हम लोगों ने फुल कराई थी पंचर रिमूव करने के वक्त, तो उसको रिक्वेस्ट की थी मैंने कि ज़्यादा हवा रखना ताकि दो तीन दिन चला जाए। सो उसने 40 हवा फिल की थी, बट अभी करंटली हवा देख लीजिए 11 हो गई है। सो अभी मुझको ज़्यादा हवा भरनी पड़ेगी टायर चेंज करने के लिए, जब मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ KTM के, वहाँ तक तो टायर चल जाए। दैट्स वाई ऐसे एयर प्रेशर काम में आ जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कम्प्लीटली बैटरी ऑपरेटेड है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। So friends, fresh shoes आ गए हैं for our Maverick। कौन से टायर हमने चूज किए हैं? So ये हैं Apollo Trampler XR। So ये पीछे की प्रोफाइल 140/70R17 and 66 H की स्पीड रेटिंग है इसको। सो अपने स्टॉक के जो टायर्स आते हैं वो आते हैं 130/80/17, बट Apollo Trampler में ये साइज आती नहीं है, इवन नॉट इन मैक्सिस। सो मैक्सिस में भी सेम यही साइज आ जाती है। एक बेनिफिट होगा इसका, एक तो 140 बोलेगा तो ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ पे एरिया थोड़ा ब्रॉड हो गया है, और साइज 80/70 हो गई। दैट मीन ये जो टायर की हाइट है वो छोटी हो गई। दैट मीन जो जो राइडर्स है जिनको 390 एडवेंचर चलाने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, उनके पैर जमीन पे नहीं पहुंचते थे, उनके लिए ये टायर प्रेफर हो जाएगा। और इस टायर के ऊपर आ जाती है हमको 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एंड 2 ईयर्स अनकंडीशनल वारंटी, गुड। और ये ट्यूबलेस स्टील रेडियल टायर है। मैक्सिस के जो टायर्स आते हैं वो स्टील रेडियल नहीं आते, सॉफ्ट कंपाउंड के टायर आते हैं, और उसकी जो लाइफ रहती है एज कम्पेयर टू दिस टायर बहुत ही कम है। एंड द कॉस्टिंग ऑफ दोज टायर वॉज 6,700 समथिंग में मुझको मिल रहे थे, एंड दिस टायर्स कॉस्टेड मी जस्ट 7,000 रुपीज़। सो जस्ट 300 का डिफरेंस था। सो दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट गो विद दिस टायर्स अदर देन गोइंग विद द सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स मैक्सिस, जिसकी लाइफ कम है एज कम्पेयर टू दिस टायर। सो घड़ी घड़ी खर्चा करने से अच्छा, दैट्स वाई आई चूज Apollo Trampler ओवर मैक्सिस मैक्सप्लोर। ये टायर की जो प्रोफाइल है वो 70/30 है, दैट मीन 70% टूरिंग रस्ते पे काम में आएगी, 30% ऑफ रोडिंग करोगे। टॉकिंग अबाउट द मैक्सिस टायर, वो 50/50 प्रोफाइल के आ जाता है। सो 50% ऑफ रोड, 50% टूरिंग। सो फ्रंट टायर की साइज भी अलग आ जाती है, अपने जो स्टॉक के जो टायर थे उसकी है 100/90/19, बट इसका आ जाता है 90/90/19। एक मिनट फोटो जाएगा इस टायर का कि आगे का टायर थोड़ा हल्का हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्टॉक टायर। आप एरिया अगर देखोगे तो ये एरिया थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू द स्टॉक टायर। इसके यहाँ पे हमको मिल जाती है 6 ईयर वारंटी, रियर पे हमको मिली थी 5 ईयर्स, इसके ऊपर है 6 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी। सो ये दोनों भी टायर हमको मिल गए हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ 7,000। अभी दिखा देता हूँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर। सो ये भी कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका वीडियो अपने चैनल के ऊपर है, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आएगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट एंड आइडेंटिफाई की कौन से ईयर का और मंथ का ये टायर है। सो ये है 44/22, दैट मीन 44 वीक एंड 22 इज द ईयर, दैट मीन 2022। सो ये टायर है ऑफ नवंबर सेकेंड वीक ऑफ 2022, एंड अपना फ्रंट टायर है 28/22, दैट मीन जुलाई सेकेंड वीक ऑफ 2022। की मैक्स लोड और स्पीड रेटिंग भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए हुए हैं, थ्रेड वन है पॉलिस्टर की एंड वन थ्रेड है ऑफ स्टील, ऑन साइड वॉल में है वन पॉलिस्टर। सो ये टायर का जो मैक्स लोड है वो 300 kg ले लेगा एट द PSI ऑफ 42 इन कोल्ड कंडीशन में। फ्रंट टायर में देख लीजिए, थ्रेड है 3 नायलॉन के और साइड वॉल में 2 नायलॉन के, एंड इसका मैक्स लोड है 200 kg एट 33 PSI।
एट कोल्ड स्टेट, तो 33 तो नॉर्मली है, हम लोग 29 यूज करते थे। देखोगे ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर लेते। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा फ्रॉम अपोलो टायर्स। ये एक बैग दे देते वो लोग, इसके अंदर आप वाटर बॉटल्स वगैरह कैरी कर सकते हो कुछ ऐसे। ये हमको फ्रंट टायर में मिली, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है, कपड़े की है ये कम्प्लीटली। यहाँ पे आपको लॉक करने के लिए ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे वेलक्रो भी दिए हुए हैं, ये देख लीजिए। पहली बार दिख रहा हूँ कोई टायर कंपनी ये सब चीज़ भी प्रोवाइड करती है। सो ये रहे अपने टायर रेडी फॉर इंस्टॉल, बट एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या, लेट मी शेयर यू। जो टायर है हमको डिलीवर हुआ है बहुत लेट, अराउंड 4 बजे, और सर्विस सेंटर बंद हो जाता है 6 बजे। सो उसके साथ कोऑर्डिनेट किया तो बोलेगा पॉसिबल नहीं होगा इतने पीरियड में, दैट्स व्हाई अपने टायर पर चेंज नहीं हो पाए। अभी वापस नेक्स्ट मौका मिलेगा हमको नेक्स्ट वीकेंड, दैट मीन एक हफ्ते, तो एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, एक हफ्ता अपनी बाइक वैसे ही खड़ी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आगे का टायर अभी चेंज नहीं करते, एज इट इज वैसे ही रख देते हैं, एंड पीछे का टायर अपने लोकल पंचर वाले के पास इंस्टॉल कर लेते हैं। आगे का टायर जब भी हम लोग चेन स्प्रॉकेट चेंज करने वाले और क्लच भी चेंज करने वाले हैं बाय गोइंग टू KTM सर्विस सेंटर, उस टाइम आगे वाला टायर भी चेंज कर लेंगे। ऑल्सो फॉर रिमूविंग द टायर, यहाँ पे अपने एरिया में कोई एक्सपर्ट नहीं, सो आई जस्ट थॉट कि मैं खुद ही रिमूव कर लेता हूँ। आराधी हम लोग ने खुद ही रिमूव किए थे, सो मैं खुद ही रिमूव कर दूंगा, एंड देन वो टायर अपने पंचर वाले के पास लेके जाके टायर चेंज कर लूंगा। जो भी होता है इस वीडियो के आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो वापस मैं टायर लेके आ गया हूँ, ये रहा अपना नया अपोलो टायर, ये रहा पुराना टायर। सो आई एम थिंकिंग दैट कीपिंग दैट ओल्ड टायर विथ मी ओनली, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी केप माई मेटजेला टायर्स फ्रॉम माई RR 310 विथ मी ओनली, दोनों भी आगे के पीछे के। सो ये भी अपने साथ ही रख लेंगे, बिकॉज बहुत सारी यादें जुड़ी है उस टायर के साथ। सो अपना नया टायर रिंग के अंदर बैठ चुका है, इधर तो अटक जाते हैं, नहीं तो क्या वो तार फट के फाट करके आओगे, ऐसा धमाका आएगा ना बॉम्ब के जैसा। तो अपना नया टायर अपोलो ट्रैम्पलर XR रिम के ऊपर बैठ चुका है, बस इसकी रिंग अभी चेक करनी है। तो रिंग थोड़ी बेंड हो गई, लास्ट टाइम जब रिमूव किया था लोकल वाले के साथ, तो उसको रिम को रिमूव करके उसको सेट कर लूंगा, अदरवाइज वी हैव टू रिप्लेस इट बिकॉज दिस वन गिव्स द एरर ऑफ ABS। सो बैक टू होम, अपना पुराना टायर भी मैंने ले लिया है, एंड ये अपना नया टायर जो इंस्टॉल करेंगे ऑन आवर मैवरिक। सो मैवरिक कुछ ऐसे दिख रही है। सो मैंने ABS की पल्स प्लेट है उसको भी रिमूव करके स्ट्रेट कर दिया है, एकदम इजी प्रोसेस है। 3 स्क्रू रिमूव करने हैं आपको, उसके बाद इस प्लेट को फ्लैट सरफेस पर रख के प्रॉपरली अलाइन कर लीजिए, एंड उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग टायर बैक ऑन मैवरिक। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये बड़े वाले टूलकिट। तो अपना नया टायर अपोलो अपनी बाइक पे लग चुका है, नाउ लेट्स गो टू हैव स्मॉल राउट। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया 100 से 150 किलोमीटर आपको चलाने पड़ेगी, उसके बाद इसके रियल थ्रेड आपको पता चलेंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट इन दिस वीडियो, वापस आ गया हूँ घर पे, अपना नया टायर कैसे लग रहा है आप लोगों ने तो देख ही लिया। फॉर द रिव्यूज उसके लिए हमको टायर यूज करना पड़ेगा, जब तक 1-2 हज़ार किलोमीटर बाइक चलाता नहीं हो तब तक इस टायर के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता हूँ। ऑल्सो फॉर वेट सरफेस ग्रिप हम लोग मानसून की राह देखने पड़ेगी, बट जो भी मेरे दोस्त हैं उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने बोला टायर बहुत अच्छा है, वेट सरफेस से भी अच्छी तरह से ग्रिप दे देता है। सो हम भी टेस्ट करेंगे। सो फॉर ओवरऑल रिव्यू आप लोगों को वेट करना पड़ेगा हमारे चैनल के ऊपर। सो कहीं मत जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, और अपना आगे का टायर भी इंस्टॉल करना है तो वो भी कर लेंगे। सो आई विल क्लोज दिस व्लॉग हियर, इफ एनी आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई रहेगी सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, हमको बहुत अच्छा लगेगा। एंड हाँ, इस वीडियो के थ्रू आप हमारे चैनल के ऊपर लैंड हुआ और अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, देन आई विल रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट इन फ्यूचर। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या। बस झूले झूल रहे हैं, थोड़ी मेहनत की तो अच्छा लग रहा है, झूले का आनंद ले लेते हैं।